तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग आप लोग को दिखाएंगे नामकुम का आर्मी वाला जंगल। यहीं लोग आके फोटो शोटो बर्थडे पार्टी सब आजकल मनाते हैं। तो देख सकते हो भाई लोग, यही एरिया है, यही वो जंगल, इसी में आके लोग फोटो शोटो खिंचाते हैं। आर्मी कितना मना किए फिर भी लोग मानते नहीं हैं और यहीं आके फोटो शोटो खिंचाते हैं। फ्यूचर में कुछ अनहोनी हो जाएगी तो भाई किसका रिक्स होगा? आर्मी वाले तो इतना मना किए हैं फिर भी आप लोग आते हैं। कुछ होगा तो आपका रिक्स होगा, आपकी फैमिली परेशान होगी, या देखिए आपकी फैमिली क्या क्या एक्शन लेने लगेगी। तो भाई मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप यहाँ ना आए। और उसके आगे आप लोग अभी देखेंगे कि वो आर्मी वाला जो खाली स्पेस है, मैदान, वहाँ भी आप लोग आते हैं यार। इतना सब तरफ से देखिए गड्ढा खोदा गया है, फिर भी आप लोग आके यहीं मस्ती करना है भाई। आप कितना समझाओ भाई मैं, क्योंकि बहुत रिक्स है भाई। मना किया गया है तो कुछ ये लोग का पर्सनल रीज़न होगा, इसलिए तो मना किया गया, फिर भी आप लोग को यहीं आना है। कपल भी यहीं आके भरे पड़ते हैं भाई, इतना सारा पार्क है वहाँ जाए। लाल किला में भी लिखा गया है कितना मना किया गया है, फिर भी आप लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं भाई। मैं हम लोग लोकल होने के नाते आप लोग को, हम लोग को पता है कि यहाँ मना किया गया, तो आप लोग को इतना बता रहा हूँ। तो आप लोग मेरी वीडियो से अगर देख रहे हैं तो भाई मत आया करो, क्योंकि यहाँ मना किया गया है। किसी दिन एक्शन लिया जाएगा तो आप अपने कपल के साथ आएंगे और फिर आपका फैमिली को बुलाया जाएगा। बहुत सारे रीजन भी हो सकते हैं, जो चीज़ छुपी हुई है आप लोगों के बीच में वो भी आ जाएगी भाई। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग ना आए। अगर यहाँ से आते हैं तो रोड रोड गुजर के पार हो जाए, पार्क है भाई आगे, बायोडाइवर्सिटी पार्क है, वहाँ जाके घूमे फिरे मस्ती करे, रिंग रोड में घूमे भाई, यहीं आके बैठना होता आप लोग को। तो हेलो गाइस, तो फाइनली मैं जेब ग्राउंड पहुँच गया हूँ और जेब ग्राउंड में बैठा हुआ स्टेडियम जैसा बना हुआ इसमें। और पीछे देखिए गाड़ी कैसे चल रही है और पीछे मैदान है। तो आज आप लोग को यहाँ का नज़ारा दिखाऊंगा और मैच भी दिखाऊंगा, तो वीडियो में बने रहना मस्त में लास्ट तक। कुछ ये हाल है जेब ग्राउंड के बाहर का नज़ारा। देखिए डोंडा वाला पोस्ट ऑफिस यहाँ पर सर, और ये वाला रास्ता देख सकते हैं, ये राजेंद्र चौक की ओर जाती है। अभी 2 बजे स्कूल की छुट्टी हुई है तो इतना सारा जाम लगा हुआ है, गाड़ियाँ देख सकते हैं। ये हाल है डोंडा का, तो मेन रोड का क्या हाल होगा देख सकते हैं आप लोग। फिर तक जाम भी, दिमाग ख़राब हो गया था आते आते। और ये है डोरंडा का जेब ग्राउंड का नज़ारा देख सकते हैं। अभी मैं थोड़ी देर में स्टार्ट होगी। इधर हटिया की टीम ड्रेसअप कर रही है, इधर ब्राम की टीम ड्रेसअप कर रही है। ये मैच से पहले रेफरी वार्म अप करते हुए मेरा पप्पू भाई है, भाई इधर उसके साथ में, और इधर हटिया की टीम और इधर ब्राम की टीम। थोड़ी देर में मैच स्टार्ट होगी। हटिया बॉयज की तरफ भी फॉल होते हुए और ब्राम को एक मौका मिलते हुए गोल वसूल, क्योंकि ब्राम 1-0 से अभी आगे हैं। अब देखिए ब्राम की टीम गोल वापस सी कर पाती है या नहीं कर पाती है। A few moments later. तो मैच का हाफ टाइम हो चुका है और अभी तक में हटिया बॉयज 1-0 से आगे है, बड़ा में 1-0 से पीछे है। तो मध्यांतरण के बाद बोले तो हाफ टाइम के बाद देखो क्या रिजल्ट आता है। तो भैया जी आप लोग के लिए हम लोग इतना बारिश में देखिए ग्राउंड में मैच रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक करना और चैनल में नया है चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना भाई। और इसका फुल मैच देखना है तो आपको जीतू गाड़ी ब्लॉग चैनल में जाके वहाँ से फुल मैच देख सकते हैं। और इसका ब्लॉग हम लोग डालेंगे एमकुम और जीतू के चैनल में, तो जो जो चैनल में है दोनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे भाई जल्दी जल्दी और फैला देंगे भाई। इतना बारिश में देखिए भाई हम लोग क्रिक्स लेके आप लोग के लिए रिकॉर्ड करते हैं कैमरा बचा बचा के, तो जल्दी जल्दी लाइक करने का, तो आगे वीडियो देखो। तो फाइनली मैच ख़त्म हो चुकी है और स्कोर बता दे कि हटिया टीम 4-0 से अभी आगे है और मैच ख़त्म हो चुकी है, और बड़ाम 0-0 में ही मैच ख़त्म हो गया। और हटिया टीम हाफ टाइम के बाद में लास्ट 15 मिनट में
ऐसा मैच खेली कि भाई धनाधन धनाधन तीन गोल ठोक दी कि क्या बोले, एक से एक गोल। तो इसका पूरा वीडियो आप लोग को पता है कि जीतूगाड़ी ब्लॉग में आएगा। और मैच मज़ेदार था, तो ब्लॉग कैसा लगा वो भी बताना। और अभी आगे घर की ओर जाते हैं, मैच ख़त्म हो चुकी है क्योंकि डेली एक मैच है, आज जिसको आना है वो आ सकते हैं यहाँ जेब ग्राउंड डोरंडा में। डेली 2 बजे से मैच होती है, तो जिसको आना है आ सकते हैं। और पीछे देख सकते हैं उधर बड़ाम की टीम है। अब मैच का हाल, सर ग्राउंड का क्या हाल है वो भी आप देख सकते हैं। आप यहाँ से निकलते हैं जल्दी बल्दी घर के लिए।